हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिलीशियस फूड। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक टेस्टी इवनिंग स्नैक्स के साथ, जो है मैगी पकौड़ा। मैंने इस मैगी पकौड़ा की रेसिपी को कैसे बनाया है ये जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैगी पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस को ऑन करके इसमें पतीला चढ़ा देंगे और इसमें 1.5 ग्लास नॉर्मल वाटर ऐड करेंगे। वाटर जब हल्का बॉईल हो जाएगा तो साथ ही हम यहाँ पे 2 पैकेट मैगी डाल देंगे। और इसे बीच बीच में हल्का चलाते हुए पका लेंगे। मैगी जब हाफ बॉईल हो जाए तो मैगी के साथ जो टेस्ट मेकर आता है उसे भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और इसे भी लगातार चलाते हुए तब तक पका लेंगे जब तक कि मैगी का सारा पानी सूख नहीं जाता। मैगी का सारा पानी सूख चुका है और हमारा मैगी भी अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है, तो अब हम गैस को ऑफ़ करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। पकौड़े की स्टफिंग में डालने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 प्याज, थोड़े से धनिया पत्ता, 1 अंडा, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून ओरिगेनो, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 2 हरी मिर्च और 1 कप कॉर्नफ्लावर लिया है। अब इन सबको अच्छी तरीके से एक बाउल में निकाल के मिक्स कर लेंगे। अंडा को अभी हम नहीं डालेंगे, मैगी डालने के बाद हम अंडे को यूज़ करेंगे। इन सबको मिक्स करने के बाद मैगी जो हमने बॉईल करके रखा था उसे यहाँ पे ऐड कर लेंगे और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैगी को मिक्स करते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि हमें हल्के हाथों का ही यूज़ करना है। मैगी को मिक्स करने के बाद हमने जो एक अंडा लिया था उसे भी यहाँ पे ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर तैयार है, तो अब चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। गैस पे पतीला चढ़ा के ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। ऑयल अब गर्म हो चुका है। मैगी के जिस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स बना के इसे फ्राई होने के लिए ऑयल में डाल देंगे। इस समय हम गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और इसे बीच बीच में चलाते हुए फ्राई करेंगे। देखिए पकौड़ा कितने अच्छे तरीके से गोल्डन क्रिस्पी फ्राई हो चुका है। तो इसे अब हम छनोटे की मदद से बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए पकौड़ों को भी फ्राई कर लेंगे।
हमारा मैगी पकौड़ा बनके तैयार है। मैगी के इस पकौड़े की रेसिपी आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।